ये है सोशल मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं ऐसी न्यूज, सत्य सटीक विश्वसनीय। नमस्कार, आईसीएन न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ललित मुकाती आपके साथ और आज के इस खास एपिसोड में आपसे खास बात करने के लिए यहां पर आया हूं। क्या होता है कि जब मार्च और अप्रैल का महीना आता है तो शादियों का सीज़न आता है। जब शादियों का सीज़न आता है तो लोगों को शादी का आयोजन करने के लिए बहुत सारी जगह की ज़रूरत पड़ती है। जी हाँ, तो जब जगह की ज़रूरत पड़ती है तो हम बात करें इछावर नगर की, तो इछावर नगर में कुछ गिनती की जगहें हैं जहाँ पर लोग धर्मशाला हैं, जहाँ पर लोग बुकिंग करके शादी का आयोजन करते हैं। लेकिन फिर भी उसका कहीं ना कहीं भार लोगों पर काफ़ी पड़ता है। 8 से 10 हज़ार 20 हज़ार रुपये के समथिंग लगभग उसका किराया देना होता है। लेकिन खास बात मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि सरकार की भावी योजनाओं के चलते हुए इछावर नगर में 25-25 लाख रुपए की लागत से अनुमानित 2 मांगलिक भवनों का निर्माण इछावर नगर में किया गया था, जिसको ये मान सकते हैं कि अनाथ नगर परिषद इछावर ने छोड़ दिया गया है। यहाँ तक कि 25 और 25 यानी 50 लाख रुपये का नुकसान तो हुआ ही हुआ, साथ में जो जगह थी वो भी पूरी भ्रष्ट हो चुकी है, बेकार हो चुकी है वो जगह। तो मेरा यही कहना है इछावर नगर परिषद से कम कुछ तो सुध ली जाए भाई, लोगों का ध्यान रखा जाए। जो गरीब व्यक्ति है वो किस तरीके से आयोजित करता होगा अपनी शादी। बाकी चलते हैं, दिखाते हैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट हमारे संवाददाता परवेज खान द्वारा। ये इछावर का मांगलिक भवन है जो कि लगभग 20 लाख रुपए की लागत से शासन द्वारा आरईएस के माध्यम से इसको बनवाया गया था, लेकिन नगर परिषद की लापरवाही के कारण ये पूरा जर्जर अवस्था के अंदर हो गया है। हम आपको बता दें कि आईसीएन की टीम इससे पहले भी यहाँ पर एक हफ्ता पहले आई थी। उस टाइम के ऊपर मांगलिक भवन में बने हुए 2 रूम के अंदर 2 लोगों ने कब्जे कर रखे हुए थे, उनका सामान यहाँ पर था। लगभग 2 साल से उन लोगों का कब्जा था, लेकिन नगर परिषद इछावर के किसी भी कर्मचारी को ये जानकारी नहीं थी। जब आईसीएन की टीम ने इस संबंध में उनको अवगत करवाया तो तुरंत उन्होंने कर्मचारियों को भेजा और इसको खाली करवाया। लेकिन इसके बाद जो है उन्हीं लोगों ने या किसी भी ने भी इसके दरवाजे और खिड़कियां तक तोड़ दी। आप ये देखिए, ये दरवाज़ा उस जिस पे ताला लगा हुआ था इसको तोड़ के और ले जाया गया। यही हाल अंदर का है। ये इसके लेटरिन बाथरूम है, आप इसकी कंडीशन देखिए। हमारे पूरे देश के अंदर स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन ये नगर पालिका के मांगलिक भवन की स्वच्छता का हाल देखिए आप। सालों से इसकी सफाई नहीं की गई है और इस पर कब्जा था। अभी भी गरीब लोग यहाँ पर अपने मांगलिक कार्य करते हैं, लेकिन लेटरिन बाथरूम के अभाव के कारण उनको बहुत परेशानी होती है। इस तरह से पहले टाइल्स निकाले जाते हैं इसके, ये देखिए अभी कोटा इसके अंदर लगा हुआ था, इसको अब निकाल लिया गया है और रात के अंदर इसको चोरी करके लोग लेके जाएंगे। नगर पालिका ने पहले यहाँ पर एक चौकीदार नियुक्त किया था, तब तक इसकी कंडीशन अच्छी थी, लेकिन उसके बाद चौकीदार को हटा दिया गया और इसकी हालत जो है बस से बढ़ती होती गई। ये दूसरा रूम है जिस पर कब्जा किया गया था और यहाँ पर अनाज के बोरे भरे हुए थे, इसके भी टाइल्स उखड़े हुए हैं और यहाँ के भी लेट बात की हालत आप देखिए, चारों तरफ गंदगी पसरी पड़ी हुई है और इसको देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ से भी टाइल्स, ये यूरिनल पार्ट थे जहाँ पर लगे हुए थे जेंट्स के लिए, जिनको उखाड़ कर ले जाया गया है। फिटिंग और पंखों का भी यही हाल है, इस पूरे हाल के अंदर फिटिंग थी और फिटिंग के साथ इसमें पंखे लगे हुए थे, लेकिन अब ना फिटिंग दिख रही है और ना ही यहाँ पर पंखे हैं। असामाजिक तत्व पूरी तरह से सक्रिय हैं। आप ऊपर देखिए, एक जहीर और अफसाना इसके ऊपर लिखा हुआ है, शायद ये लवर हों जिन्होंने यहाँ पर नाम लिखा है। इससे पहले भी आईसीएन की टीम यहाँ पर आई थी, तब कुछ लड़के जो हैं यहाँ पर गांजा पी रहे थे, दिन और रात यहाँ पर असामाजिक तत्वों का डेरा लगा रहता है। आईडी यूज़र या नशे
का सेवन करने वाले यहाँ पर मुस्तैद रहते हैं पूरे टाइम। अभी दोपहर का टाइम है इसलिए हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है, और इन्हीं लोगों ने इस मांगलिक भवन का यह हाल किया है। ये देखिए आप, ये खिड़की है और इस पर ग्रिल लगी हुई है, और वहीं पर इसके जस्ट सामने अगर हम देखेंगे तो ये खिड़की और इसकी ग्रिल लोहे की निकाल कर ले जाई जा चुकी है। ये मांगलिक भवन का हाल है जिसके टाइल्स जो हैं वो निकाल निकाल कर ले जाए गए हैं। अधिकारियों की लापरवाही के कारण ये पूरी तरह से खंडर हो चुका है, और जो राशि जो 20 लाख रुपए की थी उसका पूरी तरह से दुरुपयोग यहाँ पर हुआ है। और ये अगर इसको की मरम्मत अगर करवा दी जाए और नगर परिषद इस पर ध्यान दे तो ये लोगों के लिए काम आने वाली चीज़ है। मैं बतला दूँ, इछावर के अंदर कोई भी सार्वजनिक जगहें ऐसी अब नहीं बची हैं जहाँ पर शादी हो सके। पैसे वाले लोग तो मैरिज गार्डनों के अंदर शादियाँ कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब तबका है उनके लिए ये मांगलिक भवन बहुत ज़रूरी हैं। मैं चाहता हूँ कि शासन प्रशासन के जो अधिकारी जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस तरफ ध्यान दें और इस मांगलिक भवन की जो वैभवता थी वो वापस लौटे। सत्य सटीक एवं विश्वसनीय खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। यदि आप YouTube पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एवं Instagram पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यह है सत्य सटीक विश्वसनीय।